हाय, अगर आप कंटेनर में गार्डनिंग करते हो, मिट्टी के गमले में, सरामिक में, सीमेंट में, प्लास्टिक में, तो आपको ग्रो बैग के बारे में पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए। ग्रो बैग सिर्फ ये जो पीछे दिख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक के ग्रो बैग सिर्फ ये नहीं होते हैं, जूट के ग्रो बैग भी होते हैं, नॉट इवन कपड़े के ग्रो बैग्स भी होते हैं। जब तक हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें उसके फ़ायदे और नुकसान नहीं पता होते हैं। लगता है होगा कुछ, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसमें कितने फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। ग्रो बैग काफ़ी हल्के होते हैं, इस तरीके से बहुत ही हल्के होते हैं, वेट ना के बराबर होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन क्या इसमें सच में प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं? अगर हो भी सकते हैं तो हमें कौन कौन से प्लांट्स इसमें ग्रो करने चाहिए? दूसरी चीज़ की क्या कॉस्ट है? ये हमें किफ़ायती पड़ते हैं या जो मिट्टी के या सीमेंट के गमले हैं वो हमें किफ़ायती पड़ते हैं? और मेन चीज़ की इसकी लाइफ कितनी है? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये थोड़े दिनों में लीक करने लगते हैं, ये कितने टाइम तक चलेंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको ग्रो बैग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्या क्या साइजेस में आते हैं, क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अब बात यह आती है कि ग्रो बैग एग्जैक्टली होते क्या है। जैसे नॉर्मल बैग्स होते हैं ना, प्लास्टिक के या कपड़े के, जिनमें हम सामान लाते हैं, ग्रो बैग्स लगभग देखने में ऐसे ही लगते हैं, लेकिन काफ़ी फ़र्क होता है। इनकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। इसमें ना नीचे बेस होता है, इस तरीके से स्टेबल रहते हैं प्लांट्स। इसमें अगर प्लांट रखोगे आप तो ना मिट्टी खिसकेगी और ना रूट्स खिसकेगी और ना ही ये लुढ़कते हैं, चाहे ये हो और चाहे ये फैब्रिक के, इनमें भी नीचे अलग से बना होता है। दूसरी चीज़, मोस्टली ग्रो बैग्स, जो भी प्लास्टिक के ग्रो बैग्स हैं, वो HDPE के बने होते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन के। जब भीषण गर्मी पड़ती है या जब बहुत तेज़ धूप होती है तो ये जो HDPE के ग्रो बैग्स हैं ये गर्म होके नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आपने अपने प्लांट्स को किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर कुछ घंटों की धूप आती है, देन इट्स ओके। आप किसी में भी गार्डनिंग कर सकते हो, आप प्लास्टिक के पॉट में भी गार्डनिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अपने प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखा है जैसे टेरेस में रखा है या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत तेज़ धूप आती है, तो मई जून की जो भीषण गर्मी पड़ती है उसमें जो प्लास्टिक के पॉट्स हैं, जैसे ये प्लास्टिक का पॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो ये खुद गर्म हो जाएगा, इसके अंदर की मिट्टी गर्म हो जाएगी और इसकी जड़ें गर्म हो जाएंगी, जो प्लांट्स को नुकसान करती है। इसलिए आप जब भी स्पेशली प्लास्टिक के ग्रो बैग्स लोगे तो आप चेक करोगे कि वो HDPE ग्रो बैग्स होने चाहिए। तीसरी चीज़ होती है ग्राम्स पर मीटर, मतलब ग्रो बैग कितना मोटा है। जितना ज़्यादा GSM होगा ग्रो बैग, उतना ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे ये प्लास्टिक का जो ग्रो बैग है या ये जो है ग्रो बैग, ये दोनों अलग अलग क्वालिटी के हैं और इनके GSM में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। GSM सिर्फ प्लास्टिक में नहीं होता है, ये जो ग्रो बैग है इसमें भी GSM है, जूट में भी GSM होता है। तो जितना ज़्यादा GSM होगा उतना अच्छा ग्रो बैग होता है, उतना ज़्यादा मजबूत होता है, उतने सालों तक चलता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो ग्रो बैग्स हैं ये गिरने से कभी नहीं टूटेंगे। जैसे हमारे मिट्टी के पॉट्स होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, सीमेंट के टूट जाते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं अगर अच्छी क्वालिटी के हैं तो ऐसे नहीं टूटते हैं, लेकिन जब धूप पड़ती है तो ये हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, चिटक जाते हैं। ग्रो बैग्स ऐसे कभी ख़राब नहीं होते हैं, इनकी शाइन ऐसे ही मेंटेन रहती है, करीब 4-5 साल तो मेंटेन रहती है अगर आप इनका सही से इस्तेमाल करो। जैसे ये जो ग्रो बैग है इसमें अगर आप छेद कर रहे हो, इस तरीके से होल्स कर रहे हो, वो अगर आप ठीक से करो, खुद ग्रो बैग में कैची ना लगाओ, फाड़ो मत, और जब भी गुड़ाई करो खुरपी ना लगाओ, तो ये बहुत अच्छे से रहते हैं। जैसे मेरा ये वाला ग्रो बैग है, इसमें मैंने 2 साल से एक प्लांट को लगाया था, फिर जब मैंने उस प्लांट को रीपॉट किया, इस ग्रो बैग की मिट्टी निकाली, इसको पानी में धोया और फिर से ये एज इट इज़ सेम वैसे ही, ना इसकी शाइन कहीं गई है ना इसकी क्वालिटी कहीं गई है। मिट्टी का पॉट है ना, ये ख़राब होने लगता है तो इसमें हमें रेगमाल मारनी पड़ती है, पेंट करनी पड़ती है, लेकिन ये जैसे प्लास्टिक का है, इसकी ना शाइन कहीं जाएगी ना इसकी मजबूती कहीं जाएगी। ग्रो बैग में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। अगर मैं क्वालिटी, मतलब फैब्रिक और जूट को हटा दूं, तो ये बहुत अलग अलग साइजेस में भी आते हैं, और सिर्फ प्लास्टिक में ही नहीं,
हर एक क्वालिटी में डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं। आपको 4x4 इंच का ग्रो बैग भी मिल जाएगा, ये 5x5 इंच का है जिसमें मैंने कैलेडियम्स लगाए हुए हैं, ये जो पीछे रखा हुआ है ये 8x8 इंच का है, इसमें मेरा जेट प्लांट है जो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसके पीछे ये जो ग्रो बैग है इसमें टमाटर है वो मिर्ची का है, ये 12x12 इंच का है, ये जो ग्रो बैग है ये 18x18 इंच का है, ये दो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटी अलग अलग है लेकिन इंचेस सेम है। इसमें मैंने तरोई उगाई हुई है, इसमें मैंने करेला उगाया हुआ है, ये 18x18 इंच के इतने बड़े ग्रो बैग्स हैं। तो जस्ट इमेजिन कि 24x24 इंच का या 36x36 इंच का ग्रो बैग कितना बड़ा होगा। तो ये जो वैरायटीज हैं वो आपको मिट्टी में या सीमेंट में नहीं मिलेगी, प्लास्टिक में आपको साइजेस मिल जाएंगे लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी कि गर्मी में ये गर्म हो जाते हैं और प्लांट्स खराब हो जाते हैं। ये जो मेरा ग्रो बैग है ये वाला, मुझे एक ऐसा ग्रो बैग चाहिए था जो ऐसे चौड़ा हो जिसका सरकमफेरेंस अच्छा हो, मूली थोड़ी सी दूर दूर आती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप भी ना हो। तो अगर मैं प्लास्टिक के पॉट्स में या मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में या किसी भी चीज़ में अगर मैं वो चीज़ ढूंढ रही थी कि चौड़ाई हो लेकिन मुझे गहराई उतनी नहीं चाहिए थी, अब जैसे ये 18x18 का है इसमें स्पेस है लेकिन इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है क्योंकि काम की नहीं है, ये फालतू है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ग्रो बैग, दिस वॉज रियली गुड फॉर मूली उगानी है, गाजर उगानी है। अब जैसे ये तरोई है, करेला है, इनको ग्रो होने के लिए बहुत स्पेस चाहिए, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, अगर आप इनको किसी छोटी जगह में लगाओगे तो इनकी जो सब्जियों का साइज़ है वो छोटा रह जाता है। मैंने जैसे इसमें ये टमाटर उगाए हुए हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ये शिमला मिर्च है, यहाँ पर शिमला मिर्च उगाई हुई है, टमाटर है, उधर कुछ फ्लावरिंग प्लांट लगाया हुआ था। तो आपको ये चीज़ भी मिल जाएगी अगर आप क्यारी बनाना चाहते हो फ्लावर बेड, तो ग्रो बैग में वैरायटीज़ हैं। बहुत सारे सीमेंट के बड़े बड़े 18 इंच के गमले ख़रीदे हैं लेकिन उनको नर्सरी से लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। इनको मैंने ग्राउंड में लगा रखा है लेकिन अगर मुझे इसको टेरेस में रखना है या बैल्कनी में रखना है तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है क्योंकि ये बहुत भारी हैं, उनको ऊपर ले जाने में भी दिक्कत आती है, और दूसरी चीज़ कि अगर मुझे सफाई करनी है तो भी इनको हिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मैंने इतने सारे ग्रो बैग्स ख़रीदे, एक बैग में डाला और मैं ले आई, इट्स वेरी लाइट वेटेड, तो ये भी ऐसे भी अच्छे हैं। और मेन चीज़ ये है कि अगर आपने थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए हुए हैं अपनी बैल्कनी में या टेरेस में, मतलब 10-15 प्लांट्स हैं तो दैट्स ओके, आप किसी चीज़ में भी गार्डनिंग कर सकते हो, आपकी टेरेस पे या आपकी बैल्कनी पे ऐसा लोड नहीं आता है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, 100-200 लगा रखे हैं, वो भी बड़े बड़े गमलों में लगा रखे हैं, तो आपके टेरेस पे कहीं ना कहीं तो लोड पड़ेगा, जैसे उसकी पिलर पे पड़ेगा या लगातार पानी निकलता रहता है जब हम गार्डनिंग करते हैं, पानी डालते हैं, तो भी आपकी टेरेस पे आपके घर पे दिक्कत आती है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि टेरेस और बैल्कनी में बहुत बड़े बड़े भारी पॉट्स नहीं रखने चाहिए। तो इस चीज़ में ग्रो बैग्स बहुत अच्छे हैं। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थैले आते हैं जिनमें आटा आता है, चावल आता है, क्या उनमें गार्डनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फ्री का कट्टा है, आप बिल्कुल गार्डनिंग कर सकते हो। नीचे थोड़े थोड़े होल्स करो और आप उसमें प्लांट लगा दो, लेकिन आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। इस तरीके के जो कट्टे होते हैं आप उसमें भी सब्जी उगा सकते हो, प्लांट्स उगा सकते हो, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, ये लुढ़कते रहते हैं। दूसरी चीज़ कि इनकी जो क्वालिटी है ना वो ख़राब हो जाती है। जैसे ये देखिए, मेरा कोकोपीट इसमें आया था, ये फट गया। तो अगर आपने प्लांट ऑलरेडी लगाया हुआ है फिर वो फट गया तो एक दिक्कत की बात है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप गार्डनिंग करो, प्लांट लगाओ और फिर बीच में वो अचानक से फट जाए तो आपका प्लांट भी ख़राब हो जाता है और रूट्स भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप आराम से उसमें भी सब्जी उगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको ग्रो बैग की क्वालिटीज़ बता दी, HDPE, GSM, इनकी साइजेस बता दिए, हल्के होते हैं, सब बता दिया। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या इसमें सब्जियाँ और प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं? तो हाँ जी, सारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, स्पेशली जो सब्जी वाले प्लांट्स हैं ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। जैसे ये मेरा 12x12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैंने शिमला मिर्च लगाई हुई है, दो शिमला मिर्च है, एक ये है
और एक ये है, ये दो प्लांट्स हैं और ये अभी पूरा भरा नहीं है, ये करीब आधा खाली है, ठीक है। लेकिन आप ये देखो सब्जियों का साइज देखो, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें सब्जियां ग्रो होती हैं। इसी जगह जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं, नो डाउट उसमें भी प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं, लेकिन इसकी बनावट ऐसी होती है ना, नीचे से ये पतले होते हैं, इस तरीके से पतले होते हैं, जिस वजह से रूट्स उतनी अच्छी तरीके से नहीं फैल पाती है। मेन चीज़ है कि ग्रो बैक की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, बहुत अच्छे से जड़ें फैलती हैं। ग्रो बैग्स में वेजिटेबल्स तो अच्छे से ग्रो होती हैं, साथ में और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो होते हैं। जैसे मेरा ये जो जेट प्लांट है, मैं दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। प्लास्टिक में मैंने शमी को लगाया है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये जो जूट के और फैब्रिक के ग्रो बैग्स हैं उनमें एयरेशन बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली ये कपड़ा ही तो है, एयर सर्कुलेशन बना रहता है, लेकिन जो प्लास्टिक के होते हैं उनमें एयर वेंटिलेशन नहीं होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ग्रो बैग में ओवर वाटरिंग हो जाती है, कैसे किस तरीके से प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। तो अगर आप मिट्टी के, सीमेंट के, प्लास्टिक के पॉट्स में गार्डनिंग कर पाते हो तो आप बहुत ईजली ग्रो बैग्स में भी गार्डनिंग कर लोगे। एक्चुअली मैं हर तरीके के पॉट्स में, हर तरीके के कंटेनर में गार्डनिंग करती हूँ, और मैंने जो एनालाइज किया है कि इससे पहले मिट्टी सूखती है जूट के बैग्स की, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, लोग इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं, सबसे पहले मिट्टी इसमें सूखती है, उसके बाद मिट्टी के जो पॉट्स हैं उसमें सूखती है, उसके बाद ये जो फैब्रिक के ग्रो बैग्स हैं उसमें मिट्टी सूखती है, उसके बाद सीमेंट, ये सीमेंट का पॉट है, सीमेंट के पॉट में सूखती है, और उसके बाद मिट्टी सूखती है ग्रो बैग्स की, ये जो ग्रो बैग्स हैं, और लास्ट में मिट्टी सूखती है प्लास्टिक के पॉट्स की, और सबसे आखिरी में सूखती है सेरामिक पॉट्स की। तो मैंने आपको बता दिया कि किस कंटेनर में, किस बैग में, किस तरीके से पानी देना होता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है, जैसे दिल्ली का एक एरिया है जहाँ पर महीने में एक बार पानी आता है, अब पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है, आप कैसे गार्डनिंग में यूज़ करोगे? ऐसी कोई सिचुएशन है, या वर्किंग है, या आपने टेरेस में गार्डनिंग की हुई है और कभी कभी गर्मी में तो ये कंडीशन होती है कि दिन में दो बार पानी डालना पड़ता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक के ग्रो बैग्स में गार्डनिंग करो। अगर पानी की या पानी डालने वालों की कोई दिक्कत नहीं है, देन इट इज़ बेस्ट कि आप जूट में या फैब्रिक में गार्डनिंग करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने के आते हैं, फैब्रिक के, जूट के, प्लास्टिक के, नॉट इवन मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि जो मिट्टी के गमले हैं, सीमेंट के गमले हैं, प्लास्टिक के गमले हैं, इन सब के अप्रॉक्स रेट्स क्या पड़ते हैं। वैसे हर चीज़ के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीज़ कितने की पड़ती है। ये जो ग्रो बैग्स हैं 12x12 इंच के हैं, इसकी ये साइज़ है, इसमें मेरे टमाटर वगैरह लगाया हुआ है। ये मुझे ऑनलाइन, मैंने अमेज़ोन से ख़रीदे हैं, ये मुझे अप्रॉक्स 100 रुपये का एक पड़ा, मतलब 499 के 5 पड़े थे। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, A1 है। ये जो ग्रो बैग है ये भी 12x12 इंच का है, ये मैंने दिल्ली में एक डीलर हैं उनसे ख़रीदा है, वो ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते हैं, मैंने जाके उनकी दुकान से ख़रीदा है। ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी GSM अच्छा है, और ये मुझे पड़ा एक अप्रॉक्स 75 रुपीज़ का। रेट कम थे तो इसलिए मैंने फिर ये ज़्यादा मंगवा लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होते, ग्रो होते हैं, बट कंपेयर करेंगे तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे। ये जो ग्रो बैग है ये मैंने उगाओ से लिया था, मतलब आप अगर ऑनलाइन कहीं से भी लेते हो जूट का, ये मुझे 80 रुपये का पड़ा था। इसमें अगर आप 12x12 लोगे तो अप्रॉक्स आपको 180 से 200 के बीच में मिलेगा। ये फैब्रिक मोस्टली ये कपड़े जैसा ही है, ठीक है, ये अगर आप 12x12 में लोगे, ये 8x8 का है लेकिन 12x12 में लोगे आप, तो ये अप्रॉक्स 250 रुपये का पड़ेगा। मिट्टी के पॉट आप देख लो कि कितने के आते हैं। और इससे छोटा वाला वो 80 रुपये का लाओ। वो कितने इंच है? ये 10 इंच। और ये? ये 14, ये 14 इंच। 14 इंच है? हाँ। ये 160 रुपये का। 160 रुपये का। वैसे जो क्ले पॉट्स होते हैं
अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट्स होते हैं, जहाँ पर बनते हैं वहाँ पे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। मेरा ये जो मिट्टी का पॉट है ये 90 या 100 रुपये का मुझे पड़ा था, ये भी 12 इंच का है। जो सीमेंट के आते हैं वो भी करीब 100-120 रुपये का पड़ेगा आपको 12 इंच का। ये सीमेंट के गमले हैं, मैंने लास्ट ईयर खरीदे थे और ये अप्रॉक्स 180 रुपये के पड़े थे। आप जैसे जैसे बैग्स बड़े करते जाओगे, जैसे जैसे पॉट्स को बड़े करते जाओगे, इनकी रेट्स बढ़ते जाएंगे। स्पेशली जूट और फैब्रिक के रेट्स काफ़ी हाई होते हैं, आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना कि ये कितने के। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन स्टिल मिट्टी के और जो सीमेंट के पॉट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। को बताती हूँ कि इनको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। जब आप ग्रो बैग यूज़ करोगे तो जो फैब्रिक के या जो जूट के ग्रो बैग्स हैं उनमें आपको होल करने की ज़रूरत नहीं है, पानी ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक के ग्रो बैग्स हैं उनमें आपको होल करने की ज़रूरत है। आजकल जो ग्रो बैग्स आ रहे हैं वो होल करके देते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मैक्सिमम होल अपने ग्रो बैग्स में कर लो। ग्रो बैग्स में होल करने का तरीका क्या है, आप बेस में होल नहीं करोगे, मतलब आपको यहाँ पे होल नहीं करना है, आप ये साइड में इस तरीके से होल्स करोगे। अगर आप यहाँ पे होल करोगे तो यहाँ से मिट्टी निकलने लगेगी, फिर यहाँ पर आप कुछ लगाओ, आप पत्थर वत्थर लगाओगे या कुछ टुकड़े लगाओगे तो अगेन फिर वो भारी होने लगेगा, या फिर आप न्यूज़पेपर लगाओ। तो ये ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर नीचे यहाँ पर भी होल करोगे तो नीचे जो पानी आता है यहाँ से निकल जाता है। बेस्ट तो ये है कि आप अगरबत्ती लो और उससे ऐसे होल करते जाओ, ये बेस्ट तरीका है। इससे जहाँ पर होल किया है ना वहाँ पे आगे जाके फटता नहीं है, सील रहता है। अगर आप इस तरीके से कैची या किसी भी चीज़ से होल करोगे तो बैग के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद आपको इसमें डायरेक्टली मिट्टी भरनी है। आप जब ग्रो बैग के लिए मिट्टी बनाओगे तो सेम ही मिट्टी होती है जो हम अपने गमलों में यूज़ करते हैं। अगर आप और लाइट वेटेड बनाना चाहते हो तो आप कोकोपीट, वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। अब बात यह है कि ग्रो बैग में जब हम मिट्टी भरते हैं, भरने के बाद जब हम पानी डालते हैं कुछ टाइम में ये मिट्टी नीचे बैठ जाती है। जैसे मैंने इसमें मिर्ची लगाई हुई है, मिट्टी वैसे मैंने पूरी यहाँ तक भरी थी, ऐसा नहीं है कि मिट्टी निकल गई, नीचे सेट होती जाती है, बैठती जाती है। अगर ज़रूरत है बाद में आपको तो आप फिर इसमें थोड़ी सी और ऊपर भर सकते हो। मुझे इसमें ज़रूरत नहीं लगी तो मैंने ऊपर तक नहीं भरी है। मिट्टी भरने के बाद कुछ टाइम के बाद 15-20 दिन के बाद आपको दोबारा इसमें थोड़ी सी और मिट्टी भरनी पड़ सकती है। ग्रो बैग्स को या आप किसी भी बड़े पॉट को कभी भी रखोगे तो हमेशा स्टैंड पे या किसी चीज़ पे रखना चाहिए। जैसे मेरा ये ग्रो बैग है, आप इसको देखो, अगल बगल तो सब सूखा है लेकिन इसको मैं खिसका रही हूँ और इसके नीचे देखो आप मॉइस्चर जमा है। इसको हमेशा आपको किसी चीज़ पे रखना है, वैसे स्टैंड पे रखना चाहिए, लेकिन ये ग्रो बैग स्टैंड पे अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको इस तरीके की ड्रेन सेल्स लगानी है। ये ड्रेन सेल्स ऑनलाइन मिलती है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप ये ड्रेन सेल ले लो। ये बहुत ज़्यादा वेट ले सकती हैं आराम से, इसमें भारी भारी प्लास्टिक के पॉट्स भी आ जाते हैं। ये इस तरीके से जो ड्रेन सेल लगाई हुई है इसका, ये बहुत भारी, अगर मैं इसको ज़मीन में ऐसा रख देती ना तो नीचे की जो ज़मीन है उसमें मॉइस्चर होता, नीचे घर में सीलन आती। लेकिन ये लगाने से क्या होता है कि पानी नीचे से निकल जाता है, पानी ठहरता नहीं है। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको इसको उठाना है और आप खींचोगे तो इसमें वैसे तो मिट्टी नहीं हिलती है, लेकिन जो बड़े बैग्स हैं उनमें मिट्टी खिसक सकती है, ठीक है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने क्या करना है, जब भी इन ग्रो बैग्स को उठाना है तो हमेशा दो लोगों को मिल के उठाना है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप बहुत ध्यान से समझना, मैं प्रिफर करती हूँ कि ग्रो बैग्स में उन प्लांट्स को लगाऊँ स्पेशली जो मौसमी सब्जियाँ हैं। जैसे मैंने मूली उगाई, 6-7 महीने ये इसमें रही, मैंने हार्वेस्टिंग की, ग्रो बैग से मिट्टी निकाली, ये खाली हो गया। मैं करेला लगा रही हूँ, बारिश के बाद इसका सीज़न चला जाएगा, मैं ये ग्रो बैग खाली कर दूँगी। टमाटर, मिर्ची सब में, तो ये जो मौसमी पौधे होते हैं मैं इनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ग्रो बैग्स में। अगर आप ऐसे पेरेनियल प्लांट इसमें लगा रहे हो, वैसे आप पेरेनियल प्लांट लगा सकते हो, जैसे मैंने शहतूत लगाया है, मैंने शमी लगाया है, मैंने नारंगी लगाया हुआ है ग्रो बैग में। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पेरेनियल प्लांट्स लगाते हो जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से फैलती हैं तो ये लॉन्ग टर्म पर आपको दिक्कत कर सकता है। जैसे आम है, आंवला है, बेलपत्र है, पीपल है,
मधु मालती है, तो ऑब्वियसली है कि आप एटलीस्ट 18 इंच के ग्रो बैग में लगाओगे। और 18 इंच के ग्रो बैग में जैसे ही आप इनको लगाओगे, इनकी जड़ों को स्पेस मिलेगी और ये बहुत तेज़ी से फैलेंगे। कुछ 6 से 8 महीने में ये पूरे ग्रो बैग को भर देंगे। जो मिट्टी के या सीमेंट के पॉट्स हैं, जब उनमें रूट बाउंड होना स्टार्ट होता है तो वो खुद चिटक जाते हैं, वो दिखा देते हैं कि रूट बाउंड हो चुका है। प्लास्टिक के पॉट्स टूटते नहीं हैं, लेकिन उसमें प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। कि जितने भी ग्रो बैग्स हैं ना, वो आपको बाहर से देखने में ठीक लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो उसका बेस होता है ना, रूट्स उन बेस को फाड़ के बाहर निकल जाती हैं एंड वो आपकी जो फ्लोर है उसमें रूट्स घुस जाती हैं, वो घर को ख़राब कर देती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मौसमी सब्जियाँ हैं या जो छोटे प्लांट्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, आप उनको लगाओ। मैंने देखा है जो लोग केला पपीता ये सब छत में लगाते हैं, वो प्लास्टिक के ड्रम्स में लगाते हैं। अगर आपको लगाना भी है तो आप टाइम टू टाइम अपने जो पॉट्स हैं उनको शिफ्ट करते रहना, ग्रो बैग्स को शिफ्ट करते रहना। अब बात ये उठती है कि जब ग्रो बैग्स में प्लांट इतने अच्छे से ग्रो होते हैं, ये कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर होते हैं, तो मैं अपने कुछ प्लांट्स को, जैसे गुलाब है, बोगनवेलिया है, उनको मैं मिट्टी के पॉट में क्यों ग्रो करती हूँ? तो पहली चीज़ तो ये है कि ग्रो बैग्स मैं पहले उतना यूज़ नहीं करती थी। जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो गया कि ग्रो बैग्स में प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, तब तक मैं पूरी तरीके से ग्रो बैग में शिफ्ट नहीं हुई थी। दूसरी चीज़ कि ये जो मेरे मिट्टी के पॉट्स हैं, ये मैंने बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ। कुछ टूटते जाते हैं लेकिन कुछ मेरे बहुत पुराने हैं, तो जब तक ये मेरे पास है मैं इनमें ही गार्डनिंग करूँगी। तीसरी चीज़, जो गार्डनिंग करने का जो असली मज़ा है ना, गुड़ाई करने का और प्लांट्स को ग्रो करने का, वो जो असली जो गार्डनिंग होती है वो मिट्टी के पॉट्स में ही होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, एक ट्रू प्लांट लवर हैं, तो हमें मिट्टी के पॉट में ही अच्छा लगता है और प्लांट्स को भी नो डाउट सबसे अच्छा मिट्टी के पॉट्स में ही लगता है। चौथी चीज़, मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारे कुम्हार हैं, जो अपने हाथ से मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, उनका भी काम चलता रहे। लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, कुछ श्योरिटी नहीं है। अगर ऐसे ही क्ले पॉट्स की रेट्स बढ़ते रहे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। अगर 100 रुपये या 50 रुपये का फ़र्क आ रहा है और फैब्रिक के बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें फिर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो फिलहाल मैंने आपको ग्रो बैग्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। ग्रो बैग्स मुझे इन फ्यूचर पता चलेगा कि यहाँ के बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनकी लिंक आपको शेयर कर दूँगी। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आज मैंने पूरी तरीके से टेरेस पे बनाया है। कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।